हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बना रही हूँ बीटरूट हलवा। ये बहुत टेस्टी भी है, बहुत हेल्दी भी है, साथ ही बीटरूट के कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं ऐसे हेल्दी टेस्टी फूड के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। खिसा हुआ बीटरूट, घी, दूध, शक्कर, कंडेंस मिल्क और ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश और कुछ इलायची है। सबसे पहले मैंने बर्तन रखा है और इसमें एक स्पून घी डाला है। एक स्पून घी डाल के मैं पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर करूँगी। सबसे पहले मैंने काजू डाला है, अब उसके बाद मैं किशमिश डाल रही हूँ। इनको मैं भून रही हूँ। यहाँ पे मैंने काजू और किशमिश यूज़ किया है। आप ड्राई फ्रूट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप बादाम, पिस्ता, जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हो। अब ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में। इसी घी कढ़ाई में मैं भी एक स्पून और घी डाल रही हूँ। एक स्पून और घी डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ बीटरूट। ये हाफ के जी बीटरूट है, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू बाउल बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू बाउल इसमें मैंने 4 बाउल बीटरूट डाला है। मेरे ये हाफ के जी बीटरूट है और के बाद ये बाउल से 4 बाउल हुए हैं। मैं आपको अकॉर्डिंग टू बाउल मतलब मेजरिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कितना बीटरूट रहने से कितना हमारा मिल्क होना चाहिए। अब मैं इसको घी में 2 मिनट तक अच्छे से लगातार मैंने इसको चलाते हुए भुना है। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दूध। मेरे 4 बाउल बीटरूट था खिसा हुआ, तो मैं 4 बाउल ही मिल्क भी यूज़ करूँगी। जितना हमारा बीटरूट होगा उतना ही हमारा मिल्क होना चाहिए। ये गाढ़ा दूध है। अगर मैंने मतलब बिना पानी डाले इसको अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें 4 कटोरी बीटरूट था, 4 कटोरी ही मैं दूध डाल रही हूँ। अब ये हो गया, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसको बॉईल आते तक मैं इसे ढक के पकने दूंगी। इसको मैं ढक दूंगी तो ये जल्दी पक जाएगा, इसलिए मैं ढक रही हूँ। आप चाहो तो इसे खुला भी पक सकते हैं, बट हमें ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज़ दूध जल्दी से उबल के नीचे गिर जाएगा। अब मैंने इसे ढक दिया है और बीच बीच में हमें चेक करते रहना चाहिए। मेरा दूध पक गया, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पूरा दूध सूख नहीं जाएगा या हमारा बीटरूट अच्छे से पक नहीं जाएगा। अभी मैं इसको फिर से ढक रही हूँ, फिर से मैं इसे पकने के लिए रखूँगी। और बीच बीच में मैंने हर 5 मिनट में चेक किया है कहीं दूध उबल के नीचे गिर तो नहीं जा रहा या नीचे लग तो नहीं जा रहा। हमें का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब दूध पूरा सूख गया है, बीटरूट पक गया, मैंने इसमें 1 कटोरी शक्कर डाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, बट 1 कटोरी सफिशियंट है क्योंकि इसमें मैं कंडेंस मिल्क भी डालने वाली हूँ। कंडेंस मिल्क भी काफ़ी ज़्यादा मीठा रहता है, बीटरूट भी मीठा रहता है, इससे शक्कर आप देख के डालिएगा। ज़्यादा शक्कर डालने से फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब मैंने शक्कर डाल के इसे थोड़ी देर और पकने दूंगी या जब तक कि पूरा इसका पानी सोख नहीं जाएगा। अब ऑलमोस्ट हलवा बन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, आप मार्केट का भी डाल सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। कंडेंस मिल्क डाल के हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक इसे चलाना है। अब हलवा बन के रेडी है। फाइनली मैं इसमें डालूंगी कूटी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं इसको मिक्स करके फिर गार्निश करूंगी। ये हलवा खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में ये बहुत हेल्दी भी है और आप इसे फ्रिज में रख के 1 महीने तक खा सकते हैं। इसे आप बर्फी के जैसे सेट भी कर सकते हैं, वैसे भी बहुत सुंदर दिखता है। अब हलवा बन गया है, मैंने इसको गार्निश किया है काजू और पिस्ता के साथ। अब आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।